गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी जो अपडेट है मैं आपको लेकर के आया हूँ। जैसा कि जब से ये विज्ञापन पब्लिश हुआ है UP SSC के थ्रू अन्वेषक भर्ती 2022 का, तब से आप सभी लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। सवाल इतना बड़ा ये है कि जो सारा सवाल है, जो डिग्री धारी हैं, बीटेक के लोग हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है, और जो बच्चे ITI किए हैं उनके लिए सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है। सवाल क्या है, मैं बात करता हूं, और इस भर्ती पर क्या होने वाला है वो भी मैं थोड़ा आपसे डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। जो अनुदेशक भर्ती 2022 निकली है UP SSC के थ्रू होनी है, पद 2504 है। नियमावली 2021 को बनाया गया, संशोधित किया गया नियमावली को। जो पिछली नियमावली थी उसमें CITS कंपलसरी नहीं था। जो 2014 में वैकेंसी हुई थी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी गवर्नमेंट ITIs में, उसमें क्या था कि अगर कोई ITI किया था वो भी फॉर्म अप्लाई किया था, डिप्लोमा किया था वो भी फॉर्म अप्लाई किया था, और BTech किया था वो भी फॉर्म अप्लाई किया था, और इनमें से जो जैसी मेरिट में आए सब लोगों के सिलेक्शन हुए। कुछ आपका इंटरव्यू बेसिस ही था, तो जिसका भी जो मेरिट में आया हुआ फॉर्म डाले लो। इस समय जो 2022 में सवाल खड़ा हुआ है, सवाल ये खड़ा हुआ है कि अभी 8 जनवरी 2022, 8 जनवरी 2022 को न्यूज में ये पब्लिश हुआ और ये इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है कि जो बीटेक के लोग हैं, बीटेक के लोग कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, इसलिए जाएंगे कि जो 2014 वाली वैकेंसी थी, 2014 में जो नियुक्तियां हुई थी, जो वैकेंसी थी, उसमें बीटेक के लोगों को CITS नहीं मांगा गया था, डिप्लोमा के लोगों को CITS नहीं मांगा गया था। ITI में भी मतलब मस्ट ये नहीं था, लेकिन भारत सरकार ने ये मस्ट कर रखा है, DGT ने मस्ट कर रखा है। तो अब सवाल है, ITI के बंदे जो होते हैं, जो ITI करते हैं, ITI के बंदों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। जितना ऑप्शन डिप्लोमा या बीटेक के लोगों के पास ऑप्शन होता है, ये सिविल सर्विसेज के लिए भी जाते हैं और प्रिपरेशन करते हैं, और इनके पास सेक्टर्स बहुत हैं। बीटेक के पास भी तमाम सेक्टर्स हैं, अनलिमिटेड सेक्टर्स हैं, डिप्लोमा के पास भी अनलिमिटेड सेक्टर्स हैं, लेकिन जो बच्चा ITI और CITS या CTI करता है उसके पास कोई सेक्टर नहीं। उसके पास सिर्फ सिर्फ एक ही सेक्टर होता है। उसके दिमाग में ये होता है कि हम ITI करके CITS की ट्रेनिंग कर लेंगे तो हमारी एलिजिबिलिटी अनुदेशक बनने की हो जाएगी। इसलिए ITI का बच्चा क्या करता है, ITI अप्रेंटिस CITS करके वो वैकेंसी की राह देखता है। 2 साल 4 साल 8 साल 14 के बाद, 15 के बाद, 21 22 में आई वैकेंसी, 7 साल बाद, 7 के बाद 14 में आई, 7 साल बाद। तो बड़ी लंबी होती हैं अनुदेशक की भर्तियां, काफी समय के बाद आती हैं, और ITI के बच्चे के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है। वो ये सोचता है कि हम ITI करके CITS कर लेंगे, और CITS करके हम ITI में अनुदेशक बन जाएंगे। तो सवाल ये है कि वो सिविल सर्विसेज के बारे में CITS को लेकर के नहीं सोचा था, इसलिए अब सवाल उठता है यहाँ पर कि जो ITI और CITS कैंडिडेट है वो, उनका ये कहना है कि ये पेट जो लागू है, UP SSC जो एग्जाम कराएगी, जो ये पेट लागू है इसको हटा दिया जाए, वो रिक्वेस्ट कर रही हैं। जैसा कि अभी कल के एक न्यूज में मैंने एक लेटर भी देखा है कि उसमें कोर्ट में अभी याचिका भी दायर कर दी गई है, कि ज्ञापन भी दे दिया गया है कि नहीं, आप तो पेट को कंपलसरी ना करें, पेट को हटा लें। तो पेट को अगर हटा लेते हैं तो जो बच्चा ITI और CITS कर रखा है वो आवेदन कर पाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, बीटेक और डिप्लोमा के लोगों का है कि ये सिविल सर्विसेज के लिए भी तैयारी करते हैं, तो 21 में इन्होंने पेट दे रखा है, तो इनके लिए क्या प्रॉब्लम है, ये CITS के लिए नहीं जाते हैं। डिप्लोमा या बीटेक के जो बच्चे हैं CITS की ट्रेनिंग के लिए बहुत कम जाते हैं, नॉमिनल जाते हैं, लेकिन जो ITI के बच्चे हैं 70 से 90% CITS ट्रेनिंग की तरफ भागते हैं। तो अब सवाल ये है कि ITI और CITS वाले बच्चे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से
कि उनको पेट कंपलसरी ना किया जाए, पेट ना लगाया जाए, पेट को निकाल दिया जाए। और डिप्लोमा और बीटेक वालों का कहना भी है कि भाई सीआईटी से हटा दिया जाए। तो इस तरह की चर्चाएं या जो भी चल रही है, कोर्ट की तरफ भी लोग रुख किए हुए हैं, लेकिन ये बात सच है कि आईटीआई के बच्चों को कोई ऑप्शन नहीं होता है सिवाय सी आईटीएस करके अनुदेशक की तरफ जाने का। वो ये जब ट्रेनिंग करता है तो उसके दिमाग में सिविल सर्विसेज भी नहीं होती है, ना तो इसकी इतनी क्वालिफिकेशन होती है। ये ग्रेजुएट भी तो नहीं है, सीआईटीएस ग्रेजुएट भी तो नहीं है। उसने टेंथ किया, आईटीआई कर लिया, सीआईटीएस कर लिया। लेकिन जो डिप्लोमा और बीटेक के लोग हैं, ये तो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, ये ऑलरेडी जेई के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन ये बच्चा कहाँ जाएगा? तो इसलिए अब देखिए क्या होता है भर्ती में। कुछ अपडेट एक दो दिन चार दिन में आचार संहिता भी लग गई है, तो फॉर्म का आवेदन 18 जनवरी से होना है। उससे पहले कुछ ना कुछ जो भी न्यूज आएंगे निकल करके मैं लेकर के आऊंगा। बने रहिए मेरे चैनल पे ई एंड इन्फो पर अपडेट पाने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि आप जैसा चाहते हैं वैसा हो, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं और आपको एलिजिबल बनाया जाए, आप पेट हटा लिया जाए या आपको एग्जाम कराया जाए, पेट आप बाद में दें, 22 के पेट में अपीयर हो। और इनके लिए भी, बीटेक और डिप्लोमा के लिए भी, अगर ये सीआईटीएस नहीं है तो बिल्कुल इनको कर लेना चाहिए, क्योंकि सीआईटीएस की जो ट्रेनिंग है ये स्पेशली एक इसमें सब्जेक्ट होता है पीओटी, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो ये प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, जब आईटीआई में आप अनुदेशक बनने जा रहे हैं तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग होना मस्ट है। जब तक आपको प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग नहीं होगा, आप आईटीआई में कैसे पढ़ाएंगे? तो ये जो डिग्री रखी है, इन्होंने डीजीटी ने ये मस्ट किया, ये प्रदेश सरकार ने नहीं बल्कि डीजीटी ने मस्ट किया, और डीजीटी के रूल को स्टेट गवर्नमेंट मानती है। तो डीजीटी ने मस्ट किया कि भैया बीटेक रहेंगे तो भी सीआईटीएस चाहिए, पॉलिटेक्निक रहेंगे तो भी सीआईटीएस चाहिए, आईटीआई रहेंगे तो भी सीआईटीएस चाहिए, क्योंकि सीआईटीएस में आईटीआई के पढ़ाने के सिद्धांतों को सिखाया जाता है, उसमें स्पेशली एक सब्जेक्ट होता है पीओटी, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो ये चीजें हैं, ये मैंने आपको थ्योरेटिकली थोड़ी चीजों को समझा दिया हूं। बाकी जो भी अपडेट आएगी मैं आपको दूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।